तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। किसानों के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में 7 लोग हैं, उन सबके मिलकर के हर किसान की बात सुनकर के या किसानों के द्वारा जो भी वकील या किसान खुद आकर के उन कमेटी में अच्छा बुरा बताएगा, वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, फिर कोर्ट उन रिपोर्टों को देख करके फाइनली लीगली डिसाइड करेंगे कि क्या किसानों के पक्ष में किया जाना चाहिए। अटॉर्नी का और गवर्नमेंट का सारा स्टेटमेंट कोर्ट ने मना कर दिया सुनने से, और बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम स्टे करेंगे। उन्होंने आज तीनों कानून स्टे कर दिए। पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप है, बंदूक का पहरा है। हाँ जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके? नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा, क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पर आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे, और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। उससे कोई फायदा नहीं है अगर संसद के बाहर ये स्टे हो जाए।